वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू से एक बार फिर से ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जनाब अब जम्मू में क्या होने लगा है। जम्मू के शालामार हॉस्पिटल के बिल्कुल पास हम इस समय मौजूद है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं और उनके साथ साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर है, लेकिन ऐसे में हैरानगी की बात तो यह है कि जनाब बीवी का इलाज कराने आए व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी अनोखी घटना जम्मू के शालामार इलाके में पेश आई है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी किसी का इलाज कराने के लिए जम्मू के किसी भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, चाहे वो GMC हो या फिर शालामार हो, और अगर ऐसे में अगर आप भी इस तरह की कोई गलती कर देते हैं तो आप लोगों को भी पछताने पर मजबूर होना जो है वो पड़ सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। और फिलहाल भाई साहब हमारे साथ हैं जिनके साथ ये पूरा मामला पेश आया है। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मुराद अली नाम है मेरा सर। मुराद अली जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी पीछे तो मैं घर तो रामबन में है सर, यहाँ 10-12 साल से रह रहा हूँ। बड़ी ब्राह्मणा काम करते हैं फैक्ट्री में। तो यहाँ पे क्या करने आए इंशाल्लाह? सर यहाँ पे मेरी बीवी का डिलीवरी होने वाली थी, तो आज रात को या कल सुबह ही ऑपरेशन होने वाला था। पहले 2 ऑपरेशन हुए, अब तीसरा ऑपरेशन होने वाला था सर। अच्छा। तो सर मेरे पास सैलरी के 14,000 रुपया मिला था मेरे को फैक्ट्री से, उसमें से सर मेरे को अभी तक 2,000-2,250 करीब मैंने खर्च किया है। बाकी सर वैसे ही जेब में पड़ा था, 11 प्लस ही था। तो सर यहाँ पे मैं बैठा था, यहाँ पे सर एक बंदा आके बैठा मेरे पास, 5 मिनट के बाद एक और बंदा आ गया, वो कोई बाहर का था सर। तो सर वो दूसरा बंदा जो बाहर का था वो कहता रोते रोते आया, हाथ जोड़ रहा था कि भैया मेरी मदद करो, मैं रास्ता भूल गया, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मेरे को प्लीज़ ऑटो बैठाएं कहीं रेलवे स्टेशन तक मुझे पहुँचाएं। तो जो पहले का बंदा बैठा था वो बोलता भैया कि मैं हम दोनों मिलके इसकी मदद करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मैं मदद क्या करूँगा। बोलता बस ये आगे से ऑटो बैठाएंगे चला जाएगा खुद ही। अच्छा। सर ऑटो ऐसा बैठाया, ऐसी मदद की मेरी खुद की, कंकाल करके चला गया मेरे को। तो सर मेरे जेब में जो पैसे पड़े थे 11 प्लस ही था, 11-11.5 के करीब। तो थोड़ा आगे गए, पुल क्रॉस किया, तो वहाँ पे सर आगे ऑटो लगा था एक बैटरी वाला ब्लू कलर का, उसमें से 4 बंदे और निकले सर। वो 6 इकट्ठे होके पड़ गए कि तू ऐसा है वैसा है, कहाँ पैसे लेके जा रहा है। मैंने कहा भाई पैसे किसी के नहीं है, मैं बीवी को हॉस्पिटल लेके आया हूँ, कोई चोरी करके थोड़े भाग रहा हूँ, किसी के पैसे थोड़े ना। वो कौन लोग थे, उन्हें जानते हैं आप? सर मैं अभी उन्होंने डराया धमकाया मेरे को, शक्ल वक्ल तो भूल गई है उनकी सर, मैं जान नहीं सकता हूँ। लोकल हैं कभी आप? लोकल थे? हाँ बात तो लोकल कर रहे थे, डोगरी में बात कर रहे थे। अच्छा। जो बाहर का बंदा आपके पास जो रोते रोते आया, वो कैसे बात कर रहा था? वो तो हिंदी में ही बात कर रहा था, वो शायद लग रहा था कि बाहर का था एक। अच्छा। बाकी लोकल थे सर। तो सर पैसे एक ने मेरे, दो ने मेरे को चंड दफड़ ऐसे दफड़ वफड़ मारने के, मारा नहीं लेकिन मारने के चक्कर में थे। तो एक पर्स जेब से मोबाइल वगैरह निकाल रहा था, उसने अपने हाथों से जितने पैसे थे निकाल दिए, बाकी खाली पर्स करके डाल दिया। डॉक्यूमेंट्स तो बच गए लेकिन पैसे ले गए सर। तो सर ये वाला फ़ोन था मेरा, तो ये भी ले जा रहे थे। मैंने बड़े जोर से मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के मैंने कहा भाई ये भी मैं अपने साडू का लेके आया हूँ, अपना फ़ोन नहीं है, तो प्लीज़ मेहरबानी मेरा फ़ोन तो दे दो कम से कम। सर फ़ोन मेरे को मिल गया लेकिन पैसे मेरे लेके भाग गए। तो अभी हम इतने मजबूर हैं कि इलाज किस तरीके से करवाएं, क्या पता ऑपरेशन आज रात को होता है कि कल सुबह होता है। सर मेरे पास 10-20 रुपये, कोई 60-70 रुपये सर इधर साइड पर रह गए हैं जेब में, वही बचे हैं सर। अच्छा। बाकी कोई मेरे पास पैसा पर्स दिखा सकता हूँ आपको, ये पैसे बचे हैं सर और कोई पैसा नहीं बचा है। हालत देख रहे हो सर, मैं इतना हाथ से भी मजबूर हैंडीकैप आदमी हूँ, तो फिर भी इस हाथ से भी इतनी मेहनत फैक्ट्री में दिहाड़ियाँ लगा लिया। आपकी बीवी कहाँ पर है? सर वो लेबर रूम में एडमिट है। जी जी परसों से एडमिट है, शुक्रवार के आए हम। काफ़ी हैरानगी रहती है कि जनाब जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि हॉस्पिटल में जो भी कोई आता है सुखी हालत में कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई परेशानी उसके ऊपर होती है, लेकिन जनाब कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर घूमते हैं जो कि जिनका मकसद ये होता है कि वो घर से चोरी करने के लिए ही जो है वो निकले होते हैं। हालांकि इससे पहले भी शालामार हॉस्पिटल्स के अंदर भी चोरियों की वारदातें देखने को मिली, कभी स्टाफ के पर्स, कभी उनके लैपटॉप, तो कभी जो लोग वहां पर आए होते हैं उनके कभी मोबाइल फ़ोन या कभी पैसे जो है वो निकाल लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस से अपील है कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन पुलिस की ये कहें कि हालांकि जम्मू पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके ना जाने कौन लोग हैं जो कि ऐसे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।
आपके क्या लगते हैं? ये मेरे जीजा जी हैं। अच्छा, आपके जीजा जी? जी सर। क्या बात हुई थी, आप भी पास में थे तब? नहीं सर, मैं पास में था, मैं अंदर था। तो ये बाहर गए थे मेरी माँ को और मेरी बहन को गाड़ी चलाने के लिए। इसकी साथ में इसकी छोटी बेची है, वो भी उसको मैंने बोला इधर कहाँ रखेंगे हॉस्पिटल में, जब बीमार हो जाएगी तो उनको घर भेजा। तो मैंने देखा अभी नहीं आया, मैंने बोला हो सकता है वो स्मार्ट स्मूल लेने के चला गया होगा। तो मैं उधर गया तो रोने लगा जाके, मैंने बोला कौन सी बात हुई है? बोल रहे यार मेरे पैसे गुम हो गए, तो ऐसे ऐसे मेरे पास एक लूट के ले गए कोई, तो मेरे पास से पैसा भी नहीं बचा हुआ है। मैंने बोला मजाक कर रहा होगा मेरे से, बोल रहा कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर जो रोने लगा तो मैंने बोला चलो बाहर चलो, कोई किसी से पूछते हैं, हेल्प करते हैं, कोई मदद करते हैं, कोई मीडिया वाले को बुलाते हैं, पुलिस वाले को रिपोर्ट वोट कराते हैं, कुछ कोई ना कोई हमारी जरूर मदद करेगा। इसीलिए यही काम हुआ सर, यही बात हुई है। अभी क्या चाहते हैं आप सर? यही अपील कर, इसमें कंप्लेंट कराई आपने? नहीं सर, अभी सर कंप्लेंट तो नहीं करवाई, यही अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की पुलिस से, ये ऐसे चोरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ तो जो होना था हो गया, हम तो मजबूर से मजबूर हो गए, लेकिन और किसी हमारे भाई के साथ ऐसा ना हो जो बेचारा इतने दूर को कहीं किसी गाँव से आया, कोई रियासी का है, कोई डोडा का, कोई कहीं का है, तो यहाँ पर आगे बंदा खज्जल हो जाएगा, किसी के पैसे ही ऐसे चोरी हो जाएँ तो बंदा नहीं आगे के लिए रहेगा सर, नहीं पीछे के लिए। तो पुलिस से ही अपील करना चाहते हैं कि ऐसे चोरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल पुलिस से भी अपील है, लेकिन आप सब लोगों से भी कहेंगे कि हॉस्पिटल में अगर इलाज कराने के लिए आते हैं तो या फिर किसी के साथ अगर आप आए हैं तो अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें जो है वो सुनने को मिल रही हैं कि जगह जगह पर ऐसी चोरियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं, जिसके बाद हर कोई पछताता है। तो पुलिस के पास आप जाएं अभी, ताकि पुलिस भी अपना काम करे। हालांकि जम्मू पुलिस भी बहुत बेहतर काम जम्मू में यहाँ पर कर रही है, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जम्मू का नाम जो है बदनाम कर रहे हैं। तो फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।